तो भाइयों ये है कुछ 70-80 रुपए और इसके अंदर मैं पूरा करने वाला हूँ 100 ग्राम प्रोटीन सिर्फ वेजिटेरियन सोर्सेस से। 100 ग्राम प्रोटीन क्यों? क्योंकि तो मेरे ज्यादातर भाई 65 से 85 किलो के बीच है, उनकी बॉडी 100-110 ग्राम प्रोटीन में बहुत अच्छा डेवलप कर सकती। कोई जरूरत नहीं है 5 लाख ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करने की। मुझे पता है खासकर वेजिटेरियन भाई मेरे प्रोटीन गोल को ही पूरा करने में सबसे ज्यादा दिक्कत फेस करते हैं। फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो में जहाँ पे हमारे खर्चों को 80 रुपए के नीचे रखना, पर ऐसी वेजिटेरियन मील दिखाऊंगा जो बनाने में काफी आसान होगी पर शायद आप तक नहीं मिस कर रहे हो। हाँ, ये डाइट प्लान थोड़ा सा अपर साइड में है, दैट इज कि आपको मास बिल्ड करने में मदद करेगा। अगर आप चाहो बजट में फैट लॉस वेजिटेरियन डाइट में बनाऊं तो उसके लिए कमेंट प्लीज कर देना। तो चलते हैं सीधा मील नंबर 1 की तरफ। तो भाइयों ये होने वाली आपकी मील नंबर 1 जो कि मेरी पोस्ट वर्कआउट मील रहती अगर ये डाइट कंज्यूम करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने यूज किया हुआ भैया 130-135 ग्राम बेसन, साथ में थोड़े सैलेड वगैरह है टेस्ट के लिए, और ये भैया चना, काला चना जो 50 ग्राम मैंने रात में भिगो दिया था, थोड़ा सा प्याज और मैगी मसाला डाल के इसे खा जाऊंगा। बेसन है 70 रुपए की, मतलब 120-130 ग्राम बेसन आपको मिल जाएगा तकरीबन 8-10 रुपए में, और काला चना है भैया 90 रुपए किलो, 50 ग्राम आपको मिल जाएगा 4.5 रुपए में, मोटा मोटा 5 रुपए। इससे पूरे मील का खर्चा 15 रुपए भी नहीं आएगा। और आपको मिलेगा क्या? बेसन में पर 100 ग्राम 22 ग्राम प्रोटीन हो, तो 130-135 ग्राम बेसन में तकरीबन आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। भयंकर स्वाद मिलेगा, अच्छा अमाउंट में कार्ब मिलेगा जो पोस्ट वर्कआउट आपको रिकवरी देगा। स्वाद ऑफ कोर्स है, काला चना भैया फाइबर में बहुत हैवी होता है, ऐसे हैवी तो ये भी है फाइबर, और इसे पर 100 ग्राम तकरीबन 20-22 ग्राम प्रोटीन होता, मतलब की 10-11 ग्राम प्रोटीन इस 50 ग्राम चने से भी आ रहा है। भैया ये 15-16 रुपए के खर्चे में आपको मिल गया 40 ग्राम प्रोटीन और एक बेहतरीन वेजिटेरियन पोस्ट। अब मिलते हैं मील नंबर 2 के साथ। ये होने वाली है आपकी मील 2 जहाँ पे हम कंज्यूम करने वाले हैं 50 ग्राम सोया चंक, साथ में 50 ग्राम मूंगफली के दाने और थोड़े बहुत प्याज के साथ इसे कुक किया है, साथ में ये 250 ml दूध, 10 रुपए में 50 ग्राम सोयाबीन मिल जाता है जहाँ से आसानी से 24 से 26 ग्राम प्रोटीन उठा लेंगे। बात करें मूंगफली की, 120 रुपए किलो मूंगफली है, 50 ग्राम मूंगफली 6 रुपए मिलेगी और आपको 6 रुपए में 13 ग्राम प्रोटीन देगी। साथ में दूध हो सकता है आप लोगों को फ्री मिल जाए, पर अगर नहीं भी मिला तो 8-10 रुपए में 200 ml दूध आपको मिल जाएगा। अगर इस पूरे मील में दूध का भी पैसा जोड़ लें तो भी 25 रुपए नहीं होंगे, और प्रोटीन हमें मिल रहा है तकरीबन 45-46 ग्राम, और दूध के जुड़ जाने से आपकी अमीनोज की क्वालिटी आसमान फाड़ रही है। अभी तक 40-45 रुपए में हम लोगों ने ऑलरेडी 70-75 ग्राम प्रोटीन हिट कर दिया। अब इसको खाता हूं और फिर आपको दिखाता हूं आपका मील 3। तो भाइयों ये होने वाली है आपकी मील नंबर 3 जहाँ पे हमने यूज किया 100 ग्राम पनीर। इस साइड पे है आपकी 80 ग्राम राजमे की सब्जी है, साथ में 60 ग्राम व्हाइट राइस, साथ में थोड़ा सा सैलेड है, कुकुम्बर है, कैरेट है, गर्मियों के टाइम पे बहुत असिस्ट करता है मिनरल के साथ साथ आपको हाइड्रेट करने में। तो देखिए पनीर भैया 300 रुपए किलो है, तो 100 ग्राम पनीर मुझे तकरीबन 30 रुपए पड़ा। राजमे की सब्जी ऑफ कोर्स मेरे घर में पहले से पड़ी हुई थी, बट स्टिल अगर आप जाएंगे तो 60-70 ग्राम राजमा के लिए आपको 4-5 रुपए से ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। बट इस मील में हम पनीर से उठा रहे हैं तकरीबन 20 ग्राम प्रोटीन और राजमा 60-70 ग्राम में आराम से 12-13 ग्राम प्रोटीन आपको दे देगा। साथ में चावल आपके ग्लाइकोजन को फुल करने के लिए, आपकी बॉडी में बेहतरीन पंप, खासकर अगर आप सुबह ट्रेनिंग कर रहे हो, आपकी रिकवरी के लिए बहुत असिस्ट करे। मैं बार बार कहते आया हूँ, अभी भी कहूंगा, दिन की पहली मील और दिन की आखिरी मील में अगर आपकी डाइट में कार्ब है तो वहीं प्लेस करें, आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तो इस मील से भी हमने तकरीबन भाई 30-32 ग्राम प्रोटीन उठा लिया और आपके 100 ग्राम प्रोटीन का गोल पूरा हो गया मात्र 70-75 रुपए में। आई रियली होप मेरे वेजिटेरियन भाइयों को बहुत असिस्टेंस मिला होगा। डाइट प्लान पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत मैटर करता है। अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।